इतना अच्छा लग रहा है ना, क्या बोलूं। बारिश हो रही है ना तो माहौल अभी थोड़ा सा ठंडा ठंडा होने ही वाला है। अच्छा लग रहा है ना क्रिश? अच्छा लग रहा है, दिखना नहीं है तो गर्मी में तेरे हिसाब से आएंगी बारिश, है ना। जॉब तो मिल चुका है लेकिन रूम नहीं मिल रहा है, क्या बोलूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस मैं अभी हूँ चंद्रपुर में। जैसे कि पिछले वाले व्लॉग में आप लोगों को बोला था ना कि हमारा जॉब का अभी जॉइनिंग के लिए कुछ दिन अभी बाकी है। कुछ दिन इसलिए बाकी है क्योंकि गाइस मुझे रूम नहीं मिला है अभी तक। नागपुर में रूम तो चाहिए ना रहने के लिए, जॉब करके फिर रहूँगा कहाँ पर। जॉब तो मिल गई है लेकिन रूम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रहने के लिए। खाना वगैरह तो मैनेज हो जाएगा, कहीं कैंटीन वगैरह टिफ़िन वगैरह हम लगा लेंगे, लेकिन रूम नहीं मिल रहा है तो कोशिश अभी कर रहा हूँ, दोस्तों से बातचीत कर रहा हूँ रूम वगैरह कब मिलेगा। बाहर देखिए गाइस बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो रहा है और बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है, क्या बोलूँ। अभी मैं कल नागपुर में तो हम इसी धूप में दिन भर घूम रहे थे, लेकिन गाइस घर पर अगर रहे ना तो ये धूप गर्मी ज़्यादा लगती है। अपन अगर बाहर घूमते फिरते रहे ना तो उतना धूप गर्मी लगती नहीं है। सुबह से गाइस मैं लैपटॉप में लगा हुआ था, कुछ वीडियोस अपलोड कर रहा था, तो अभी जाके काम ख़त्म हुआ है लैपटॉप का। आज का दिन गाइस हमारे पास टाइम है रूम ढूंढने के लिए। दोस्त लोगों से बातचीत करके सभी से मैं कांटेक्ट कर रहा हूँ रूम कहीं है कि नहीं। नहीं तो अभी एचआर से भी मैं बातचीत कर लिया था, उनको भी मैं बोल रहा था कि रूम कहीं मिलेगा तो सर बताओ मुझे, तो उन रूम अभी कहीं गाइस अवेलेबल नहीं है, इसलिए अब कुछ दिन रुकना पड़ेगा। तो गाइज़ अभी शाम हो चुकी है, अभी मस्त रेडी हो चुका हूँ, अभी जाना है सिटी में। नाना आए हैं गांव से, नाना को सिटी में लेके जाना है, उनका कुछ तो भी शॉपिंग वगैरह करना है, मेडिसिन वगैरह लेना है, वो कैसे थोड़ा सा डॉक्टर का काम करते हैं। तो चलते हैं अभी नाना के साथ सिटी में, जल्दी से उनका काम वगैरह करके फिर अपन चलते हैं कहीं और घूमने के लिए। गर्मी तो लगेंगी ना गाइज़, देखिए बिल्कुल भी हवा नहीं है, एक पेड़ का पत्ता हिल ही नहीं रहा है बिल्कुल भी, थोड़ी सी भी हवा नहीं है, गर्मी तो बहुत हो रही है गाइज़। घर से निकलते निकलते ही पसीना पसीना हो गया पूरा। अपन जाएंगे गाइस स्कूटी से क्योंकि पल्सर से नहीं जाएंगे अभी। और ये रहे नाना जी। फाइनली गाइस हम लोग आ चुके हैं और यहाँ देखिए नाना जी अपने दवाइयाँ ले रहे हैं। हम अभी आए हैं गंजवाड़ मार्केट के साइड में और नाना जी यहाँ पर अपने दवाइयाँ ले रहे हैं इस वाले मेडिकल से, और मैं बस वेट कर रहा हूँ नाना का। A few moments later. सिटी का काम निपटा के डायरेक्ट मैं आ चुका हूँ अपने घर के तरफ। सही में अब भी मेरे सामने तो नहीं, नहीं उसके पहले मैं सिटी गया नाना को लेके, नाना को लेके सिटी का काम करा के फिर इधर गया था, फिर तुम्हारी तरफ आया। तो गाइज अभी हम दोनों अपने अपने जगह में बैठ चुके हैं काउंटर के ऊपर। गाइज मैं शुभम भाई और क्रिश अभी हम लोग जा रहे हैं कुंदन प्लाजा ना, कुंदन प्लाजा के तरफ, थोड़ा सा जॉब के बारे में बातचीत करने के लिए जा रहे हैं एक बंदे से। हमारा दोस्ती से मतलब शुभम भाई का दोस्त है। बस हम अभी हम लोग ऑन द वे है, चलते हैं कुंदन प्लाजा की तरफ और मिलते हैं। गाइस अभी इतना अच्छा लग रहा है ना, क्या बोलूँ। बारिश हो रही है ना तो माहौल अभी थोड़ा सा ठंडा ठंडा होने ही वाला है, लेकिन अभी जैसी बारिश हो रही है रेगुलर ऐसा कुछ दिन होना चाहिए, 3-4 दिन रेगुलर बारिश होना चाहिए। अभी तो धीरे धीरे बारिश हो रही है तो चलो बहुत अच्छा लग रहा है। हम तो जो काम करने के लिए निकले थे वो काम हमारा हो चुका है, घर के तरफ आते आते ही बारिश लग गई तो पेट्रोल पंप पे हम रुके थे, तो अभी हम घर के तरफ और आ रहे थे, घर के तरफ पहुँचे भी नहीं थे, फिर से बहुत जोर के बारिश लग गई तो हम बस एक शेड के नीचे रुके हैं। और हमारे साथ है शुभम भाई और क्रिश भाई। बहुत दिनों बाद बारिश देख के बहुत अच्छा लग रहा है सच में। इतना दिन गाइस आज के दिन ही पूरा परेशान हो गया था मैं गर्मी के वजह से, कहीं भी बाहर जाके खड़ा रह रहा था ना, तो जैसे अभी सिटी में गया था वहाँ पर खड़ा रहने से पूरा पसीना पसीना से भर जा रहा था, इतनी गर्मी थी आज। तो बारिश होने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना क्रिश? अच्छा लग रहा है पर भीगना नहीं है मेरे को। भीग भी कह रहे हैं अपन, रुके है ना, रुकने का तो होना ही क्या बारिश, नहीं बारिश नहीं रुकनी चाहिए ना, कितना गर्म हो रहा, जम रहा क्या तेरे को गर्मी में? घर जाने को ना तेरे हिसाब से आएंगी बारिश, है ना, तेरे शेड्यूल के हिसाब से। अब शुभम भाऊ बारिश आ रही तो कैसा, अरे सॉरी तुम बिजी हो लग रहा, बोल दो ना थोड़ा ऑडियंस को, बारिश आई तो कैसा लग रहा? बारिश आई तो लग रहा अभी कैसे कैसा तो कैसा लग रहा भाऊ, बेकार लग रहा। क्यों अच्छा नहीं लग रहा बारिश आया तो?
नहीं गर्मी का सीजन अच्छा लग रहा था तुमको। फाइनली गाइज अभी आ चुका हूँ मैं घर, और घर आने के बाद तुरंत खाना खा लूँगा। खाना बस वहाँ पर अभी लग ही रहा है, और आज खाने में है चिकन, तो जल्दी से खाना खा लेते हैं, भूख बहुत ज़्यादा लग चुकी है। खाना वाना भी कंप्लीट हो गया है, मैंने थाली वहाँ जाके अभी रख दिया हूँ। गाइज अभी हम थोड़ा सा काम की बात कर लेते हैं। मैंने आप लोगों को जैसे बोला ना कि मैं अभी ज्वाइनिंग करने वाला हूँ जॉब के लिए, तो गाइज इंटरव्यू वगैरह सब कुछ तो दे के आ गया था, वहाँ पर इंटरव्यू पास भी हो गया था। HR ने अभी क्या बोले कि पहले आप रूम ढूंढ लो, जब आपका रूम ढूंढ के हो जाएगा, मुझे जब रूम मिल जाएगा उसके बाद से मैं ज्वाइनिंग कर सकता हूँ। तो गाइज मुझे अभी तक रूम मिला नहीं है। कल ही मैं नागपुर से वापस आया, मेरे कुछ दोस्त लोग रहते हैं नागपुर में गाइज, तो वो लोगों को मैंने बोला था रूम के बारे में पूछताछ करने के लिए। वो लोगों को पता भी है और रूम मिला भी है गाइज, ऐसा नहीं कि नहीं मिला है, लेकिन रूम मालिक के जो फ़ोन नंबर है ना वो मुझे वो लोग देने वाले थे, मेरे फ्रेंड्स लोग जो नागपुर में रहते हैं। आज मैंने उनको पूरा दिन कॉल किया सुबह से लेके या अभी रात तक, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं दिए। शायद कोई इमरजेंसी काम में बिजी होंगे वो, इसलिए उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया मेरे दोस्त लोगों से। तो शायद से रूम का कंफर्मेशन हो जाता था आज, अगर मुझे रूम मालक का नंबर मिल जाता था, जो भी वो ओनर है ना रूम के, तो कन्फर्म हो जाता था शायद से, अगर बातचीत हो जाती थी तो इसीलिए अभी कुछ दिन रुकना पड़ेगा। जब तक रूम मुझे नहीं मिल जाएगा तब तक जॉब के लिए मैं ज्वाइनिंग नहीं कर सकूंगा। गाइस प्रॉब्लम हो जाएगा ना, जॉब तो अभी ज्वाइनिंग कर लूँगा लेकिन रहूँगा कहाँ, वही एक मेन प्रॉब्लम है। जॉब तो मिल चुका है लेकिन रूम नहीं मिल रहा है गाइस, अभी क्या बोलूँ। कोई बात नहीं, अभी जल्दी से जल्दी रूम ढूंढते हैं। मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ, दोस्त लोगों को भी बोल रहा हूँ, फ़ोन वगैरह में फ़ोन करके बोल रहा हूँ, पूरा ट्राई कर रहा हूँ मैं अपनी तरफ से। तो ठीक है गाइस, यही बोलना था आप लोगों को मेरे जॉब के बारे में कि क्या चल रहा है क्या नहीं। तो ठीक है गाइस, इसी तरीके का हमारा दिन अभी चल रहा है। तो नए लोग जो भी यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले, क्योंकि गाइस जॉब लगने के बाद से हमारा काम डबल से ट्रिपल हो जाएगा, क्योंकि हमें जॉब भी करना पड़ेगा, वीडियो शूट भी करना पड़ेगा, वीडियो एडिटिंग भी करना पड़ेगा, अपलोड भी करना पड़ेगा, बहुत लंबा प्रोसेस रहने वाला है। तो गाइस आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, नए लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और गाइस सभी लोग मेरे वीडियोस को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। तो ठीक है गाइस, अभी मिलते हैं अगले वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।